तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं रिवेंज ऑफ येवन का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था, वो उसको एक लड़की बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सियावलिंग को एक डेमन ने पकड़ लिया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर हम देख रहे थे कि सियावलिंग वहाँ पर उल्टा लटकी हुई थी और वो उस डेमन पर गुस्सा होती हुई बोल रही थी कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे ऐसे लटकाने का। हिम्मत है तो सामने आ, मुझे सीधा करो, मैं भी तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गया। तभी हम वहाँ पर येफिंग और उसके साथियों का सीन देखते हैं जहाँ पर वो उस्वान यानी कोई लड़की पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर उसको बचाने के लिए आए हो तो यहाँ पर कुछ हरकत क्यों नहीं कर रहे हो। तो येफिंग बोल रहा था कि यहाँ पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो उस्वान बोल रही थी कि यहाँ पर तो बस एक ही बंदा है। तो तभी येफिंग बोल रहा था कि देखो, तुम अगर यहाँ पर फाइट करना ही चाहती हो तो ठीक है, कोई बात ना, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। और फिर वो बोल रहा था कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर 15 मिनट वेट करना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर वो डीमन उसको रोक देता है क्योंकि येफिंग ने उसको यहाँ पर रुकने के लिए कहा था। तभी हम देखते हैं कि येफिंग के पीछा कोई एक बंदा कर रहा था। तो तभी वो लड़की भी जाने लगती है फाइट देखने के लिए, लेकिन वो सुवान बोल रहा था कि रुक जाओ, जो येफिंग मास्टर है उन्होंने तुम्हें यहाँ पर इस लड़की को बचाने का काम दिया है, क्या तुम यहाँ पर यंग मास्टर को उदास करना चाहती हो। ते बात सुनकर सुवान बोल रही थी कि किसने कहा कि मैं इस लड़के को नहीं बचाना चाहती हूँ, मैं इसे बचाने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि येफिंग का पीछा एक बंदा कर रहा था जहाँ पर येफिंग आगे आगे भाग रहा था। और वो जब दूर आ जाता है तो एक जगह रुक गया था, अब बोल रहा था कि तुम अभी भी यहाँ पर छुपे हुए जबकि तुमने मेरा बहुत ज़्यादा समय तक पीछा किया है, तो क्या तुम उन सब में से घटिया पर्सन में से हो जिनको अपना चेहरा दिखाने में शर्म महसूस होता है। तो तभी वहाँ पर एक बंदे का आवाज़ आ रहा था उसी डीमन का, जो कि बोल रहा था कि आपका आवाज़, आपका बिहेवियर तो वाकई में मेरे को कष्ट पहुँचा रहा है यंग मास्टर येफिंग, मैं तो बस यहाँ पर एक गेम खेलना चाह रहा था आपके साथ, आखिर में आप मेरे से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। आप उससे पूछता है कि आखिर में आप यह बताएं कि मैं कहाँ हूँ। तो बस उनका येफिंग अपना तलवार निकालते हुए उस बंदे पर अटैक करते हुए बोल रहा था कि तुम यहाँ पर हो, तो वो बंदा बोल रहा था कि नहीं। तो येफिंग भी समझ जाता है कि जिस बंदे को उसने मारा वो बस एक सॉर्ट पपेट है, और बोल रहा था कि देखो, अब जब तुम यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो गए तो कोई बात ना, लेकिन तुम तो वाकई में हैंडसम हो, तो मैं तुम्हारी बॉडी को अपने लिए यूज़ कर लूँगा। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो गया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल पपेट उन पर अटैक कर रहे थे यानी कि येफिंग पर, जहाँ पर येफिंग उन सबसे फाइट कर रहा था, जहाँ पर वो ब्लड लाइन टेक्निक का भी यूज़ करता है, लेकिन वो पपेट उसके अटैक से बचते हुए येफिंग पर अटैक करने के लिए आ रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि येफिंग वहाँ पर उसका अटैक रोकने लगता है, उसको घायल कर देता है। कि तभी उस पर एक और सोल पपेट से अटैक होता है जहाँ पर येफिंग उसको भी दूर फेंक देता है अपने स्लैश अटैक का यूज़ करके, जहाँ पर वो डीमन बोल रहा था कि तुम्हारा बॉडी तो वाकई में काबिल तारीफ है, तो मैं तुम्हारा यूज बाइसन क्लैन के मास्टर तियान जी के साथ तुम्हारा बॉडी को मर्ज कर दूंगा। तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि येफिंग उन सारे पपेट से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ पर एक पपेट का सर को धड़ से अलग कर देता है, लेकिन वो पपेट का सर का धड़ उस पर एनर्जी, उस पर पॉइजन से अटैक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि येफिंग वहाँ पर एनर्जी का ब्लास्ट करके उन सारे चीज़ से बच जाता है। जहाँ पर वो डीमन बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि मैं उस प्रकार के शिकार को बहुत पसंद करता हूँ कि जो कभी भी हार नहीं मानता है। तो येफिंग उन सब सोल पपेट से फाइट करते हुए बोर हो गया था, बोल रहा था कि मुझे इसके रियल बॉडी से फाइट करना पड़ेगा। और जब येफिंग उस सॉल पेपर पर अटैक करता है जो कि उसका पैर पकड़ा हुआ था, तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, चारों तरफ धुआं हो गया था। तभी वो डीमन वहाँ पर सारे सॉल पेपर से उस पर अटैक करने के लिए बोल रहा था, जहाँ पर सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि येफिंग वहाँ पर सॉल शैडो का यूज़ करके वहाँ से बचने में कामयाब हो गया था उनके अटैक से। तो तभी हम देखते हैं कि उस डीमन को लगता है कि येफिंग वहाँ पर मारा गया है और वो उसके तरफ जा रहा था उसका हैंडसम फेस देखने के लिए, लेकिन हम देखते हैं
हैं कि ये फिंग अचानक से पीछे से आके उसको वहाँ पर घायल कर देता है, जहाँ पर उसके सारे सोल पपेट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये फिंग बोल रहा था कि मैंने तुम्हें फाइंड कर लिया, तुम यहाँ पर मारे जाते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा बोल रहा था कि यह मैच इतना आसानी से ख़त्म नहीं होगा। और फिर तभी वो अपना मार्क हटाता है, जहाँ पर ये फिंग पर बहुत सारे नीडल्स से अटैक हो जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि ये फिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसके नीडल्स से बच पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर और ज़्यादा सोल पपेट आके उसको पकड़ लेते हैं, जहाँ पर ये फिंग समझ जाता है कि वह बॉडी भी एक सोल बॉडी था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल बॉडी से आवाज़ आता है कि मुझे यहाँ पर कोई और बॉडी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यह देखकर ये फिंग समझ जाता है कि यह बंदा पहले से ही मरा हुआ है, बस उसने अपने सोल का कुछ अंश इन सारे पपेट्स में डाल के रखा है। तो तभी वो डीवन बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि जब मैं मरा तो मेरा जो सोल था वो प्रिजर्व हो गया, लेकिन वह एक ना तो ह्यूमन के रूप में था, ना तो डीमन, ना तो घोस्ट। इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे जीवित पर्सन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, खुन्नस आता है। अब मैं तुमको चिंता ना करो, एक ऐसा सोल पपेट में कन्वर्ट करूँगा जो कि मेरा आज तक का सबसे बेहतरीन सोल पपेट होने वाला है। तो ये फिंग उसका बेइज्जती करते हुए बोल रहा था कि तुम्हारे पास तो रियल बॉडी भी नहीं है, तब भी तुम इतना बड़े बड़े बात कर रहे हो। तो बस उनके वो सोल पपेट बोल रहा था कि चिंता ना करो, तुम्हारा जो यह सब बोली है वो सब शांत हो जाएगा, मैं तुम्हें यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तो बस उनका ये फिंग बोल रहा था कि तुम मुझे मजबूर करोगे मुझे। और फिर वहाँ पर इटर्नल फ्लेम का यूज़ करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जो सारे सोल पपेट उसको पकड़े हुए थे वो सब जल के राख हो जाते हैं। तो तभी वह देख कर वो सोल पपेट हैरान हो गया था, सोच रहा था कि आखिर में इटर्नल फ्लेम कैसे कोई रिफाइन कर सकता है। तो ये फिंग बोल रहा था कि इस वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो तभी हम देखते हैं कि ये फिंग उसका गर्दन पकड़ लेता है अपना फायर का यूज़ करके, और उसको बोल रहा था कि अब गेम ओवर हो गया, जहाँ पर वो अपना फायर का यूज़ करके उसको वहाँ पर जला देता है। लेकिन उसके बॉडी से एक सोल लॉकिंग पिल बाहर निकलता है, जहाँ पर वो दूर भाग रहा था। तो ये फिंग उसका पीछा करने लगता है, और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सुवान यानी कि वो लड़की गुस्सा हो रही थी क्योंकि वहाँ पर बस एक सोल पपेट बैठा हुआ था। तो तभी सियावलिंग वहाँ पर उनसे पूछती है कि आखिर में ये फिंग कहाँ है। तो लड़की बता रही थी कि हमें नहीं पता, वो बस फाइट करने के लिए चला गया, कहाँ गया पता नहीं। तो तभी वो लड़की यानी कि सुवान उस हुआंग से पूछती है सियावलिंग कौन है। तो वो बता रहा था कि यह जो है यंग मास्टर ये फिंग की एक अच्छी सी दोस्त है। तो सियावलिंग पूछती है कि आखिर यह कौन है। तो हुआंग बताता है कि हमें नहीं पता, ये तो बस रास्ते से मिल गई हमें। तो तभी हम देखते हैं कि सियावलिंग उस सुवान पर गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी कि देखो तुम यहाँ पर ये फिंग से दूर रहना, क्योंकि सारे बंदे ये फिंग को फॉलो नहीं कर सकते हैं और तुम ये फिंग को यहाँ पर कष्ट में पहुँचा सकती हो। तो देख कर सुवान उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रही थी कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पर कुछ समय पहले कौन सी लड़की यहाँ पर पेड़ पर उल्टा टंगी हुई थी, जहाँ पर उल्लू के बीच में ऐसी बहस चल रहा था। कि तभी वहाँ पर वो सोल लॉकिंग पिल जो है उनकी तरफ आता है, और जो सोल पपेट वहाँ पर गिरा हुआ था उसके अंदर चला जाता है। और यहाँ पर इन लोग को कुछ पता भी नहीं चलता लड़ाई के कारण। तभी हम देखते हैं कि वो सोल पपेट उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, कि तभी वहाँ पर ये फिंग अपना फ्लेम का यूज़ करके उस सोल पपेट को जला देता है, जहाँ पर वो उसका बॉडी से वो पल भी बाहर निकल गया था। लेकिन इस बार ये फिंग उसको अपने पास रख लेता है। तो ये फिंग को देख कर सियावलिंग वहाँ पर उसके गले लग जाती है और फूट फूट के रोने लगती है, और बोल रही थी कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तो ये फिंग बोल रहा था कि चिंता ना करो, मैं हुआंग को बोल कर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सुनकर सियावलिंग बोल रही थी कि मैं वहाँ से बिना परमिशन के भाग के आई हूँ, तो अगर मैं जाती हूँ तो मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। देवा सुनकर ये फिंग बोल रहा था कि चिंता ना करो, कि देखो अगर तुम मुझे फॉलो करती हो तो यह बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस बंदा हूँ, मुझे हमेशा कोई ना कोई अटैक करते रहता है, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं कैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर को इसके बारे में बताऊँगा। तो सियावलिंग बोल रही थी कि हाँ तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, कि मैं वैसे भी इतना वीक हूँ कि मैं अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो जो वहाँ पर हुआंग सुवान को बोल रहा था सियावलिंग को छोड़ने के लिए, लेकिन सुवान यहाँ पर राजी नहीं हो रही थी। वो बोल रही थी कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी नक्चरी लड़की को वापस से घर छोड़ने के लिए नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहाँ पर भले तुम्हारी डिसाइपल ही क्यों ना हो। लेकिन तभी ये फिंग बोल रहा था कि अगर क्या हो, मैं यहाँ पर राजी हो जाऊँ तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं यहाँ पर इटर्नल फ्लेम का यूज़ करके तुम्हारे बॉडी को रिफाइन भी कर दूंगा। और तभी ये बात सुनकर सुवान भी खुश हो गई थी, और बोल रही थी कि अच्छा मैं तुम्हारे बात पर यकीन करती हूँ। और फिर वहाँ पर जो सियावलिंग को जल्द से जल्द वहाँ पर से ले जाने लगती है, और फिर तभी
ट्रैवलिंग वहाँ से जाते हुए बोल रही, ठीक है ये फिर चिंता ना करो, मैं तुम्हें यह प्रॉमिस कर रही हूँ कि हम यानी कि सियावलिंग हम इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे कि हम जो है तुम्हारे साथ खड़े रह सकते हैं, तुम्हारा साथ निभा पाएंगे। तो ये फिंग बोल रहा था चिंता ना करो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, और फिर तभी वो उस पर्ल को आसमान में फेंक देता है जहाँ पर वो ब्लास्ट हो गया था। तो जो बायसन क्लैन के बंदे थे उनको यह देख कर समझ में आ जाता है कि जो फर्स्ट सीनियर है वो भी मर चुके हैं। और हम देखते हैं कि उस क्रैकर में लिखा हुआ था कि अगर तुम ये फिंग की तरफ आते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो तभी हम देखते हैं कि वो बायसन क्लैन का एल्डर बोल रहा था, एल्डर टियान सुआन बोल रहा था कि जल्द से जल्द जाओ ये फिंग को यहाँ पर मार के लेके आओ, मैं उसका कटा हुआ सर देखना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर सारे डिसाइपल वहाँ पर चले जाते हैं एल्डर ध्यान सुन का बात मानने के लिए। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की वहाँ पर सोई हुई थी, जहाँ पर एक लड़का का आवाज़ आ रहा था जो कि बोल रहा था कि आफ्टर 10,000 ईयर फाइनली मैं जो है मॉर्टल रियल में फिर से एंटर कर सकता हूँ। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम होंग लियान है, जिस जो कि होली फायर क्लैन से बिलोंग करती है और यह होली मेरिडियन रिकार्नेटेड होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक लड़के का आवाज़ क्यों आ रहा है, ओल्ड मैन का आवाज़ क्यों आ रहा है, वाकई में समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी।